फ्रेंड्स वेलकम सी ऑल इन जारविस कैंपस आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि हमने एटम के बारे में तो पढ़ लिया बट यू नो अबाउट द मॉलिक्यूल यू नो व्हाट इज मॉलिक्यूल तो यहाँ पे हम इसी के बारे में बात करने वाले कि मॉलिक्यूल होता क्या है मॉलिक्यूल इज अ पार्टिसिपेंट ऑफ एनी एटम और एलिमेंट और अ कंपाउंड विच रिमेन इंडिपेंडेंट यानी कि मॉलिक्यूल क्या है तो कि ऐसा एक एटम है जिसका एलिमेंट या ऐसे ऐसे एलिमेंट या फिर कोई कंपाउंड का अकेला यानी इंडिपेंडेंट यानी कि अकेला वो रह सकता है किसी भी फोर्स के बिना उसका खुद का एक फोर्स रहता है कि जो अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट बताता है राइट तो ऐसे एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड के ऐसे हार्ड जो भी एटम होते हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल को दो टाइप में रखेंगे जैसे कि दो उसका कोई टाइप नहीं है पर इसको हम यहाँ पे दो तरीके से मॉलिक्यूल को देखने वाले मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड यहाँ पे हाँ एलिमेंट के बारे में बात करें कि एक ही एटम एक ही एटम एक से ज्यादा अगर ज्वाइंट होते हैं एक ही तरह के एटम एक से ज़्यादा अगर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जैसे कि अगर सिंपल सा एग्जांपल ले ले ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में यहाँ पे हमें मिलता है जिसको हम बोलते हैं डाई एटोमिक इसको बोल सकते हैं क्यों डाई एटोमिक बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्वाइज ऑफ ऑक्सीजन एक साथ मिले हुए हैं, राइट अगर यही दो की जगह पे तीन ऑक्सीजन कर देते दो की जगह पे तीन ऑक्सीजन अगर ज्वाइंट होते हैं तो वो क्या बनेगा ओजोन बनेगा राइट यानी कि यहाँ पे देखो तो एक ही तरह का एटम जो है वो एक दूसरे के साथ यहां पे ज्वाइन हो रहा है राइट ये जो ज्वाइनिंग है कोई दूसरा एटम के साथ नहीं है यानी कि इसी वजह से हम यहां पे बोलेंगे इसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ऐसे ही कुछ और यहां पे अभी देखो तो यहां पे ऑक्सीजन जब दो था तो उसको हमने डायटोमिक बोला ऑक्सीजन तीन था तो उसको हमने ओजोन बोला तो यहां ये यह नंबर ऑफ एटम जो है नंबर ऑफ एटम उसकी वजह से यहाँ पे ये एलिमेंट जाने जाते हैं इसको हम यहाँ पे एटोमिटी इसको यहाँ पे हम एटोमिसिटी बोलते हैं यानी कि नंबर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एटोमिसिटी होती है जैसे कि अगर एक एटम होता है तो उसको मोनो एटम बोलेंगे ट्वाइस एटम होते तो डायटोमिक तीन एटम होंगे तो ट्राइटोमिक राइट right? इस तरह से यहाँ पे उसके नेम देंगे यहाँ पे आपके समक्ष कुछ ऐसे ही एटम्स आपको दिख रहे होंगे नॉन मेटल्स के राइट तो यहां पे आपको दिख रहे है ये तो यहां पे दिख रहे है आपको ये तो यही था हमारा मॉलिक्यूल किसको कहेंगे हम थैंक यू